तो वहीं राजधानी लखनऊ में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि जहां एक ओर भीषण गर्मी से बचने के लिए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर हीटवेव को लेकर मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी और लिक्विड वाली वस्तुओं का सेवन करें, जिससे कि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और आप भीषण गर्मी के प्रकोप से बच सके। लखनऊ से रेहान वासी की रिपोर्ट। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बच्चों के स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया, वहीं दूसरी ओर हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। डॉक्टरों की सलाह माने और पानी वाली चीजों का लगातार सेवन करें। कैमरामैन आदित्य के साथ रेहान वारसी, एमके न्यूज लखनऊ। भीषण गर्मी पड़ रही है और आगे समय आते जैसे मई जून आएगा गर्मी और भी बढ़ सकती है। ऐसे में जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है 12 से 3 4 बजे के बीच में, उस समय थोड़ा सा निकलना अवॉइड करें। इसीलिए बच्चों के स्कूल की टाइमिंग भी चेंज की गई है। और दूसरी चीज है कि अगर निकलना मजबूरी हो तो अपने को ढक के चलें, छाता लेके चलें, कपड़े से सर ढक के चल सकते हैं। साथ में पानी की मात्रा बढ़ा के रखनी है, लिक्विड इनटेक बढ़ा के रखना है। पानी है, इलेक्ट्रोल पाउडर है, शिकंजी, इस तरह की